हेलो एवरीवन, टुडे वी विल बी डिस्कसिंग सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स या डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। इसके बारे में कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे, और ये सारे पॉइंट्स आपके कॉम्पिटिशन में बहुत विशेष महत्व के हैं। सो देयरफॉर आई एम स्टार्टिंग विद देम। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज सम एडजेक्टिव्स अपीयर कंपैरेटिव, लाइक अपर, लोअर, इनर, आउटर, लैटर, मेजर, माइनर एक्सेट्रा, बट दे आर यूज इन पॉजिटिव डिग्री। तो कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो देखने में, स्पेलिंग में अगर आप देखेंगे तो एंड हो रहा ER से, और आपको पता है कि कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव जो है वो ER से एंड होता है, जैसा कि आपने देखा हुआ है। यहाँ पे आपको दिखाऊँ मैं लिस्ट, ये देखिए इस तरह की एक लिस्ट हमने आपको पिछले वीडियो में दिखाई थी। तो आप देख रहे हो कि कंपैरेटिव डिग्री के जो एडजेक्टिव्स हैं वो ER से एंड हो रहे हैं। तो इस पॉइंट के यही महत्व है कि इसमें जो ER से एंड होने में एडजेक्टिव्स हैं वो हमें लगता है कि वो कंपैरेटिव के हैं, लेकिन एक्चुअली ये सारे के सारे किस डिग्री के यूज़ हो रहे हैं, पॉजिटिव डिग्री के। तो आपको ये देखना पड़ेगा सेंटेंस को पढ़ करके कि ये एक्चुअली पॉजिटिव डिग्री के हैं या कंपैरेटिव। दैट मीन्स इट्स अ वार्निंग सिग्नल, यू हैव टू चेक दिस। सपोज द एग्जाम्पल विच आई हैव टेकन इज ही हैज़ अ सन बाय हिज फॉर्मर वाइफ। तो यहाँ पे लिखा है फॉर्मर वाइफ, उसका एक बेटा है उसकी पहली पत्नी से। तो पहली पत्नी का कंपैरिजन नहीं है यहाँ पे दूसरी पत्नी के साथ, देयरफॉर इट इज़ जस्ट एन एडजेक्टिव ऑफ पॉजिटिव डिग्री। तो यहाँ पे फॉर्मर ER से एंड जरूर हो रहा है, लेकिन ये पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। इसी तरह से आई लिव इन द अपर स्टोरी ऑफ द हाउस, तो यहाँ पे अपर स्टोरी को क्वालिफाई कर रहा है जो कि एक नाउन है, और यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं है। देयरफॉर अपर इस जगह पे इस सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, ना कि कंपैरेटिव डिग्री का। द सेकेंड पॉइंट इज सम कंपैरेटिव्स टेक टू इंस्टेड ऑफ दैन। तो कुछ कुछ कंपैरेटिव्स ऐसे होते हैं जिसमें टू का यूज़ होता है दैन की जगह पे। दो एग्जांपल आपके सामने हैं, दिस बिल्डिंग इज सुपीरियर टू दैट, ऐसा लिखेंगे, या दिस बिल्डिंग इज सुपीरियर टू दैट बिल्डिंग, ये समझने के लिए मैंने बोला। तो यहाँ कंपैरिजन हो रहा है, सुपीरियर एडजेक्टिव है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, लेकिन उसके बगल में हमने दैन नहीं लिखा है। दैन आप लिखोगे तो सेंटेंस गलत कर दिया जाएगा, इट विल बी रिटन विथ टू, तो आपको टू का यूज़ करना है। इसी तरह से यू आर सीनियर टू मी, यू आर सीनियर दैन मी नहीं लिखेंगे। तो आपको हिंट मैं कैसे दूँ, हिंट आप यूँ समझ लीजिए कि अगर आई ओ आर से, जैसे जूनियर, ओ आर से एंड हो रहे हैं जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, तो इसमें आपको टू लगाना है, दैन नहीं लगाना है कंपैरेटिव डिग्री में। द थर्ड पॉइंट सेज व्हेन द वर्ड कंपैरेटिवली इज़ यूज्ड देन डिग्री ऑफ एडजेक्टिव शुड बी पॉजिटिव। अगर सेंटेंस में ये शब्द आ गया कंपैरेटिवली, तो फिर आप उसके बगल में जो एडजेक्टिव लिखेंगे वो कंपैरेटिव डिग्री का नहीं लिखेंगे, वो हमेशा आप पॉजिटिव डिग्री का लिखेंगे, ये रूल है। फॉर एग्ज़ाम्पल पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट, ये तीन डिग्री होती है कंपैरिजन की, लेकिन कंपैरेटिवली वर्ड के साथ अगर आपने पुअरर लिख दिया जो कि कंपैरेटिव डिग्री का है, तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। और अगर आपने इसके बगल में पुअर लिखा जो कि पॉजिटिव डिग्री का है, तो ये सेंटेंस सही है। तो इन नटशेल यू हैव टू रिमेंबर कि अगर शब्द आ गया है कंपैरेटिवली, तो आप उसमें पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव ही लिखेंगे। फिर फोर्थ पॉइंट में है सम और एनी के बीच में डिफरेंस, कब आप यूज़ करेंगे सम और कब आप यूज़ करेंगे एनी। तो सम आपको अगर यूज़ करना है SOME, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज़ होता है, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस में यूज़ होता है। ये छोटी मात्रा को दिखाता है, डिनोट्स अ स्मॉल नंबर और अ स्मॉल क्वांटिटी, तो कम मात्रा को ये शो करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल देर आर सम बॉयज़ इन माई क्लास, तो मेरी क्लास में कुछ लड़के हैं, बहुत सारे नहीं हैं, फ्यू। प्लीज़ गिव मी सम मनी, तो थोड़ा पैसा दे दो। थोड़ा पैसा का मतलब ये नहीं कि 1 करोड़ 2 करोड़ दे दो, इट इज़ ओनली 150 रुपये, सो थोड़ा पैसा, जो भी किसके हिसाब से थोड़ा होता होगा उतना। व्हेन यू टॉक ऑफ एनी, इट इज़ यूज इन नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम एनी का यूज़ करते हैं। आर देर एनी बुक्स इन द बैग, अगर ऐसा लिखा है तो आप ये मान के चलिए कि आप कह रहे हो कि इस बैग में कोई किताब नहीं है,
इट इज़ अ नेगेटिव इंडिकेशन. देर इज नॉट एनी टी इन द कप, कप में कोई चाय नहीं है, मतलब कि कप में चाय नहीं है, इट इज़ नेगेटिव अगैन. सो दिस इज योर फोर्थ पॉइंट कि कहाँ आप सम का फिल इन द ब्लैंक्स में यूज़ करेंगे, कहाँ एनी का. देन नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट ईच एंड एवरी. ईच कब यूज़ करोगे और एवरी कब यूज़ करोगे. तो ईच और एवरी के बीच में एक समानता है, देर इज़ अ वन कॉमन पॉइंट विच इज़ वाइल स्पीकिंग वी इंटेंड टू एम्फोसाइज वन एट अ टाइम. जब हम बोल रहे होते हैं ईच और एवरी को तो हम हमेशा किसी एक के बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन इन दोनों में एक डिफरेंस भी है. डिफरेंस क्या है कि यूज़ फॉर टू और मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स बट नंबर ऑफ नाउन इज़ लिमिटेड. तो ईच हम कब यूज़ करेंगे, जब दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति या वस्तुओं के लिए तो हम रेफ़र कर रहे हैं, लेकिन जो ओवरऑल नंबर है, संख्या है पूरे नाउन्स की, वो लिमिटेड है. फॉर एग्ज़ाम्पल ईच वन ऑफ द टू ब्रदर्स इज़ इंटेलिजेंट. तो बेसिकली हम दो भाइयों की बात कर रहे हैं, फिर उनमें से भी प्रत्येक की बात कर रहे हैं. तो ये दो का नंबर है, तीन का नंबर है, दस का नंबर है, ये लिमिटेड नंबर है. तो इसलिए ये यहाँ पे आप ईच का इस्तेमाल करेंगे. व्हेन विल यू यूज़ एवरी, आप एवरी कब यूज़ करेंगे, जब नाउन का नंबर अनलिमिटेड होगा. क्या मतलब इसका कि आप कहेंगे एवरी सिटीज़न हैज़ अ राइट, तो सिटीज़न तो बहुत अनगिनत है, लिमिटेड नहीं है, मतलब कोई संख्या निर्धारित आप नहीं कर रहे हैं. सो एवरी आप ये नहीं कहेंगे कि ईच सिटीज़न हैज़ अ राइट. ईच तो लिमिटेड संख्या के लिए यूज़ करेंगे. जब अनलिमिटेड नाउन्स हो जाएंगे, हालांकि आप रिफ़र कर रहे हैं दो या दो से अधिक इसमें भी, लेकिन जो ओवरऑल संख्या है नाउन्स की वो अनलिमिटेड है, देयरफॉर यू आर गोइंग टू यूज़ एवरी. मूविंग ऑन टू द सिक्स्थ पॉइंट, ये मेन पॉइंट है डिस्कशन का, इससे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉम्पिटिशन्स एज वेल एज एग्जाम में, फर्स्ट सेमेस्टर में तो आता ही आता है. लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल के बीच का डिफरेंस क्या होता है. तो आप यूँ समझ लीजिए कि लिटिल माने सबसे कम, अ लिटिल माने उससे थोड़ा सा ज़्यादा. सो आई विल बी जस्ट मार्किंग इट लाइक दिस. आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये सबसे कम है, फिर ये इससे ज़्यादा. तो मात्रा या उसके हिसाब से आप देखोगे तो ये सबसे कम या ना के बराबर या ज़ीरो ऑलमोस्ट, ये हो गया लिटिल. फिर द लिटिल उससे थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन इनफ नहीं है, मतलब पूरा काम नहीं चलेगा आपका. और द लिटिल मतलब है तो थोड़ा बहुत है, इनफ भी नहीं है, लेकिन जितना भी है उस पूरे को आप कंसिडर कर रहे हो जब आप अपने सेंटेंस में उसकी बात कर रहे हो. सो दैट मीन्स नॉट इनफ, बट जितना भी है वो पूरा का पूरा आप कंसिडरेशन में बात करते समय ले रहे हो. एग्जाम्पल इसका देखिए, पहले तो मीनिंग देख लो. लिटिल का मतलब होता है मीन्स हार्डली एनी थिंग. हार्डली एनी थिंग का मतलब होता है ना के बराबर, है ही नहीं है, नेगेटिव होता है मीनिंग इसका. फिर अ लिटिल का मतलब होता है कि थोड़ा तो है लेकिन काफ़ी नहीं है, नॉट इनफ, ये पॉजिटिव मीनिंग वाला होता है. द लिटिल का मतलब होता है कि सारा का सारा, ऑल विच इज़ प्रेजेंट, जितना भी है चाहे थोड़ा चाहे कम, जितना भी है वो पूरा का पूरा जो मौजूद है, मे बी इनफ और मे बी नॉट. तो चाहे वो इनफ हो आपके लिए, चाहे वो नॉट इनफ हो, पूरा हो आपका डिमांड ना पूरा हो, लेकिन जितना भी मौजूद है वो पूरे का पूरा जब आपको रेफ़र करना है तो आप यूज़ करना द लिटिल. एग्जाम्पल ले लीजिए, देर इज़ लिटिल होप ऑफ विक्ट्री. जब आप कहेंगे देर इज़ लिटिल होप ऑफ विक्ट्री, तो इसका मतलब है कि देर इज़ नो होप ऑफ विक्ट्री और आप हारने वाले हैं. नकारात्मक सेंटेंस है ये, नेगेटिव सेंटेंस है. सेकेंड है अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग. थोड़ा ज्ञान महाभयंकर. तो अ लिटिल मतलब है तो, ना के बराबर तो नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत तो है, लेकिन इनफ नहीं है, तो आप यूज़ करेंगे अ लिटिल. फिर यहाँ पे द लिटिल नहीं कहेंगे क्योंकि आप पूरा का पूरा मात्रा के बारे में बात नहीं कर रहे हो. फिर आई हैव स्पेंट द लिटिल मनी आई हैड. द लिटिल मतलब मैंने खर्च कर दिया, जितना भी था पैसा, थोड़ा ज़्यादा जितना भी था वो पूरा का पूरा मैंने खर्च कर दिया, तब आप यूज़ करेंगे द. मूविंग फॉर द सेवन पॉइंट है फ्यू अ फ्यू द फ्यू. तो फ्यू अ फ्यू द फ्यू ये ठीक उसी ऑर्डर में है जैसे कि अभी आपने लिटिल अ लिटिल और द लिटिल को देखा था. तो फ्यू माने सबसे कम, ये संख्या को नंबर को इंडिकेट करता है. तो फ्यू इज़ सबसे कम, अ फ्यू उससे थोड़ा ज़्यादा और द फ्यू उससे थोड़ा और ज़्यादा. सो द डिफरेंस बिटवीन फ्यू एंड लिटिल इज़ लिटिल इंडिकेट्स क्वान्टिटी. लिटिल क्वान्टिटी के बारे में बात करता है और फ्यू नंबर के बारे में, बस इतना ही फ़र्क है.
लेकिन अगर ऑर्डर देखेंगे तो अभी भी फ्यू ना के बराबर, अ फ्यू थोड़ा बट नॉट इनफ, लेकिन द फ्यू माने पूरा का पूरा, भले वो इनफ हो या ना हो। सो मीनिंग वाइज अगेन इट इज़ सिमिलर टू लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। तो फ्यू का मतलब हो गया हार्डली एनीथिंग, नेगेटिव मीनिंग हो गया। अ फ्यू का मतलब हो गया सम बट नॉट मैनी, थोड़े हैं, गिनती हो सकती है इनकी, ऑफकोर्स ये गिनने वाले चीज़ों के लिए यूज़ होता है। द फ्यू मीन्स विच इज़ नॉट इनफ बट ऑल, तो जो भी इनफ नहीं है या हो भी सकता है लेकिन पूरा का पूरा, विच इज़ प्रेजेंट, हु विच आर देयर। सो फ्यू पीपल लिव टू बी 100, कुछ लोग ऐसे हैं जो 100 तक जीते हैं, 100 साल तक जीते हैं, तो फ्यू पीपल यानी कि लगभग ना के बराबर ऐसे लोग हैं। फिर सेकेंड है वी आर गोइंग फॉर अ फ्यू डेज, यहाँ पे अ फ्यू मतलब थोड़े दिनों के लिए जा रहे हैं, लेकिन आई हैव स्पेंट द फ्यू रुपीज़ विच आई हैड, तो जितने भी थे वो पूरे के पूरे मैंने खर्च कर दिए। तो आप देखेंगे जो द फ्यू वाला है वो थोड़ा एंटायरली डिफरेंट है, फ्यू और अ फ्यू में थोड़ी सिमिलैरिटी है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, लेकिन द फ्यू जो है वो एक तरह से तीनों ही से कंडीशनिंग अलग है कि जितना भी है वो पूरे का पूरा हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। देन कम्स एट पॉइंट विच विल डिस्कस लेटर, लैटर, लेटेस्ट, लास्ट, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेटर का मतलब होता है, अब आप ऐसे समझिए, लेटर और लेटेस्ट का मतलब होता है पहले तो टाइम से संबंधित है, लेटर माने बाद में, लेटेस्ट माने बिल्कुल अभी अभी ताज़ा तरोज़ा, तो ये समय का सूचक होता है इससे। फिर दो हैं लेटर और लास्ट, ये दोनों पोजिशन को रेफर करते हैं। सो यू टेक एन एग्जाम्पल, ही इज़ लेटर दैन आई एक्सपेक्टेड, तो वो लेट आया जितना कि मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे भी, तो टाइम में टाइम का रेफरेंस है यहाँ पे, देर से आया। आई हैव हर्ड द लेटेस्ट न्यूज़, तो मैंने अभी अभी ताज़ा खबर सुनी है, तो लेटेस्ट अगेन टाइम के बारे में। द लेटर चैप्टर्स आर टफ, तो जो बाद वाले चैप्टर्स हैं वो टफ हैं, तो ये पोजिशन है। द लास्ट चैप्टर इज़ इनकम्प्लीट, ये और बिल्कुल एक्सट्रीम पोजिशन है, लास्ट चैप्टर इज़ इनकम्प्लीट। सो दिस वॉज योर लेटर, लैटर, लेटेस्ट एंड लास्ट, इससे भी कुछ खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन यू हैव एल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डर, ओल्डेस्ट, ये मैंने अभी बताया भी था कि एल्डर और एल्डेस्ट यूज़ किया जाता है लोगों के लिए, एनिमल्स और चीज़ों के लिए इसको हम यूज़ नहीं करते, ये केवल व्यक्तियों के लिए यूज़ किया जाता है। कन्फाइंड टू मेम्बर्स ऑफ सेम फैमिली, एल्डर इज़ नॉट यूज विथ दैन, ये भी याद रखना है कि ELDER एल्डर वर्ड एग्जेक्टिव जो है वो THAN के साथ नहीं यूज़ करते। ओल्डर और ओल्डेस्ट जो है वो पर्सन और थिंग्स दोनों के लिए यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल पे आप आ जाओ, जॉन इज़ माई एल्डर ब्रदर, फैमिली रिलेशनशिप में एल्डर का यूज़ होता है। अदिति इज़ माई एल्डेस्ट डॉटर, सबसे बड़ी बेटी है। राम इज़ ओल्डर देन रवि, राम इससे बड़ा है, एल्डर भी कह सकते हैं हम, दोनों ही यूज़ हो जाता है इसमें। और राम इज़ ओल्डेस्ट बॉय इन द क्लास, सो अगेन उम्र की बात है। यहाँ पे कह सकते हैं कि द गणेश टेम्पल इज़ द ओल्डेस्ट इन द सिटी, तो आप चीज़ों के बारे में भी यूज़ कर सकते हैं, फला मंदिर इस एरिया का सबसे पुराना मंदिर है, तो एंशियंट एंटीक चीज़ें हैं उनके लिए भी हम ओल्डर यूज़ करते हैं, उनके लिए हम एल्डर या एल्डेस्ट यूज़ नहीं करते, ये स्पेशल बात है। सो नाउ 10th पॉइंट, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस पॉइंट में, सो मूविंग फॉरवर्ड नाउ। सो दैट वाज ऑल, दीज मेनी पॉइंट्स वर इम्पॉर्टेंट टू बी डिस्कस्ड अलॉन्ग विद द डिग्री ऑफ कंपैरिजन, सो आई होप दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू। केवल उसमें इतने ही पॉइंट्स हैं जो अभी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप तैयार करिए। सो कीप स्टडिंग, बाय बाय फॉर नाउ, गॉड ब्लेस यू ऑल।